भाई एक बात बताओ, एक समय हम लोग पढ़ते थे एक महाकाव्य था महाभारत, उसके अंदर पांडवों ने द्रौपदी को दाव पे लगा दिया, और एक आज ऐसी सरकार है जो सत्ता पाने के लिए जिसने राम को दाव पे लगा दिया, वो राम को दाव पे लगा सकते हैं, आप अपने अहंकार को खत्म नहीं कर सकते, ST ST OBC के लोग एकजुट नहीं हो सकते, हकमारी करने वाले लोगों को ठिकाने नहीं लगा सकते, संविधान बचाने की बजाय मनुस्मृति से संविधान लागू करने वालों को ताकत दे रहे हो, शर्म नहीं आती? डूब मरना चाहिए तुम्हें, तुम्हारे समाज की हकमारी हो रही है, तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत टूटी जा रही है, तुम्हारी बस्तियां जलाई जा रही है, तुम्हारे युवाओं की हत्या की जा रही है, और तुम ऐसे हथियारों को ताकत देने में लगे हो? ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें ST ST OBC के सांसद विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है? क्या वो गूंगे बहरे हैं? क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इसीलिए उनको रिजर्वेशन दिया था? क्या सबको इसलिए वोट का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया था कि आपके समाज की हकमारी हो और आप वहां गूंगे बहरे बन के गुलाम बन के बैठ जाओ? दुनिया को मानवता और शांति का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, फूले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, सबसे पहले तो मैं माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख और रानी अवंती बाई लोधी जी को उनके जन्मदिवस पर पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। ओबीसी महासभा को विशेष बधाई, और जो अभी मेरे संचालक साथी निवेदन कर रहे थे पटेल जी से कि यहाँ गुर्जर समाज मजबूत है उसको आप हमारे साथ जोड़िए, वही टंग खींचते हैं, इसमें बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, और मुझे नहीं पता उनकी कंट्रोल कितना है, क्योंकि यहाँ गुर्जर, यादव और जाट, तीन दिल्ली की और वेस्टर्न यूपी के मजबूत जातियां तीनों मनुवादी व्यवस्था को पूरी ताकत के साथ पहुंचने में लगी हैं। सीधा कह रहा हूं, बुरा लग जाए कोई बात नहीं, बुरा लगना भी चाहिए, लगेगा तो हो सकता थोड़ा सुधार हो जाए, क्योंकि यहां तो ये सब बीजेपी को ताकत देने में लगे पड़े, दिल्ली में कहीं चले जाना उनकी बस्तियों में आप, तो बाधा तो यही बन रहे हैं अपने खुद के, जो बदहाली है, जो हकमारी है, उसका कारण हमारे बहुजन समाज के लोग ज्यादा हैं, वो 12% लोग उतने ताकतवर नहीं है कि हमारी हकमारी कर सकें, क्योंकि वो जो कुल्हाड़ी हमारे हकों को काट रही है उसमें बैठे के तौर पर जो हमारे बहुजन समाज के लोग उसको ताकत देने का काम कर रहे हैं। आज समस्याएं जो हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इस बैकवर्ड समाज को, ओबीसी समाज को रिजर्वेशन लेने के लिए 43 साल संघर्ष करना पड़ा, और जब 1990 में 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करने की घोषणा हुई, पहली बात तो ये बता दूं कि वो मान्यवर कांशीराम साहब ने जो पूरे देश की और दिल्ली की दीवारें नीली की और जो नारा दिया मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, उस नारे की वजह से 43 साल के संघर्ष के बाद सिफारिशें लागू करने की घोषणा तो हुई, लेकिन उसी सर्वोच्च न्यायालय ने उन सिफारिशों को लागू होने पर कोर्ट ने स्टे कर दिया, जिस सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के खिलाफ जाकर EWS के नाम पर बिना मांगे, बिना कोई गठन हुए, बिना कमीशन के, बिना सर्वे के 4 दिन के अंदर EWS के नाम पर और उन 2% लोगों को 10% रिजर्वेशन दे दिया, उसको कोर्ट ने स्टे नहीं किया। तो जो कोर्ट हमारे लोगों को न्याय नहीं दे सकती उस कोर्ट पे भरोसा कैसे करें, एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है 49.5% रिजर्वेशन SC ST OBC तीनों को मिलाकर, जिसकी जनसंख्या कम से कम 85 से 88% के बीच है, उसके लिए तो दिया जा रहा है 49.5% पेपर पे, और जिसकी जनसंख्या 12% है उसको पेपर पे दिया जा रहा है 50.5%। लेकिन प्रैक्टिकल सच्चाई क्या है? प्रैक्टिकल सच्चाई ये है कि वो जो 12% है जनसंख्या में जिसके लिए पेपर पे 50.5% रिजर्वेशन दे रखा है, उनको वैकेंसी जब निकलती हैं उनको दिया जा रहा है 72%। कोई भी जो वैकेंसी निकली उसका डाटा उठा के देख लीजिए तो समझ में आएगा 72%
टोटल पोस्ट में से 72% तो जा रही है ओपन कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस को, और जो एससी एसटी ओबीसी के लोग जिनकी जनसंख्या 85 से 88% है उनको जब आप देखोगे पोस्ट वाइज कितनी कितनी पोस्ट किसको जा रही है तो उनको जा रही है 28%। तो कितनी बड़ी हकमारी हो रही है और किसके रहते हो रही है? ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें एससी एसटी ओबीसी के सांसद विधायक नहीं है मंत्री नहीं है? क्या वो गूंगे बहरे? क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इसीलिए उनको रिजर्वेशन दिया था? क्या सबको इसीलिए वोट का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया था कि आपके समाज की हकमारी हो और आप वहां गूंगे बहरे बन के गुलाम बन के बैठ जाओ? लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, हमें दुश्मन को पहचानना पड़ेगा कि हमारा दुश्मन हकीकत में है कौन। हमें ऐसे लोगों को और ऐसे पार्टियों को और ऐसे नेताओं को पहचानना पड़ेगा कि बहुजन समाज की हकमारी कौन मार कर रहा है और हकमारी करने में उनका सहयोग कौन दे रहा है। अब मुझे एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जहां तक महिला आरक्षण की बात हो रही है, अगर जाति की जनगणना नहीं होगी, सेंसस नहीं होगी, उसका डाटा नहीं होगा कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, तो फिर उस महिला रिजर्वेशन के अंदर ओबीसी को रिजर्वेशन कैसे देंगे? तो जो पार्टियां जातिगत जनगणना करवाने के लिए खुल के सामने आने को तैयार नहीं है, ऐसी पार्टियों को हमारे समाज के लोग वोट क्यों देते हैं? ये सवाल समाज के लोगों से पूछना पड़ेगा। उन्हें समझाएगा कौन? भाई एक बात बताओ, एक समय हम लोग पढ़ते थे एक महाकाव्य था महाभारत, उसके अंदर पांडवों ने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, और एक आज ऐसी सरकार है जो सत्ता पाने के लिए जिसने राम को दांव पे लगा दिया। वो राम को दांव पे लगा सकते हैं, आप अपने अहंकार को खत्म नहीं कर सकते। एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट नहीं हो सकते, हकमारी करने वाले लोगों को ठिकाना नहीं लगा सकते। संविधान बचाने की बजाय मनुस्मृति से संविधान लागू करने वालों को ताकत दे रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? डूब मरना चाहिए तुम्हें, तुम्हारे समाज की हकमारी हो रही है, तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत टूटी जा रही है, तुम्हारी बस्तियां जलाई जा रही है, तुम्हारे युवाओं की हत्या की जा रही है, और तुम ऐसे हत्यारों को ताकत देने में लगे हो? नफरत पैदा करने वाले, देश के अंदर जाति धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करने वाले पूरे देश पे हावी हो गए। पूरे देश का मीडिया पूरा बिक गया है, पूरा का पूरा गुलामी स्वीकार कर ली है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों से, क्योंकि जब बहुजन समाज की बात होती है, जब बैकवर्ड क्लास की बात होती है, उसका मतलब के अति पिछड़ा वर्ग नहीं है, उसका मतलब है एससी एसटी ओबीसी, पिछड़े वर्ग का मतलब। और अगर मैं पिछड़े लोगों की बात करूं तो माइनॉरिटीज के अंदर मुस्लिम के अंदर 90% ओबीसी है, 90% शूद्र है। क्रिश्चियनिटी के अंदर 99.9% शूद्र है। सिखों के अंदर 70% से ज्यादा शूद्र है। उस सबको भी जोड़ लो, और उस सबको जोड़ने के बाद एक बहुजन समाज बनता है। बस एक बात कहूंगा, ये समय की मांग है, हमें यूनिटी की जरूरत है। और अगर वो राम को सत्ता पाने के लिए दांव पर लगा सकते हैं, क्या आप अपने अहंकार को मार के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग क्या एकजुट नहीं हो सकते? क्या हमारे समाज के नेता अपने अहंकार को छोड़ के क्या एकजुट नहीं हो सकते? तो मैं आह्वान करता हूं अपने सारे नेताओं से, इंक्लूडिंग बहन मायावती जी से भी, अखिलेश यादव जी से भी, तेजस्वी जी से भी, नीतीश जी से भी, स्टालिन साहब से भी, सब लोग मिलके एकजुट हो जाओ। पूरा समाज तुम्हारी तरफ देख रहा है, एक आशा भरी उम्मीद की किरण से देख रहा है। और जो भी समाज, जो भी हमारा नेता इस बहुजन समाज के एकीकरण में बाधा बनेगा, उसको समाज का और देश का गद्दार घोषित करेंगे, उसको संविधान का गद्दार घोषित करेंगे। संविधान बचाना है, मनुस्मृति को किसी भी कीमत पर वापस हम नहीं आने देंगे। और इसमें अगर एक और चीज बाधा बनती है, वो है ईवीएम। अब ईवीएम को किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, क्योंकि ईवीएम में चोरी है, ईवीएम में चोरी है, ये प्रूफ हो चुका है। आईएएस रिटायर टू आईएएस जो जिसने नौकरी भी छोड़ दी, वो जो हमारे कन्नन गोपीनाथन जी ने, उन्होंने तो प्रूव कर दिया कि किस तरीके से ईवीएम धोखा है, ईवीएम के द्वारा चोरी, चूंकि वो कुल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, बाद में आईएएस बने। तो जब साबित हो गया, इलेक्शन ऑफिसर रहते उन्होंने साबित कर दिया कि ईवीएम में चोरी संभव है, और यहीं बैठ के मंगलयान और चंद्रयान उड़ाया जा सकता है, उसको रिपेयर किया जा सकता है नीचे बैठे बैठे, तो ये मशीन कौन सी बड़ी चीज है? इसलिए ईवीएम जब तक रहेगा तब तक ये कहेंगे 400 पार। इसलिए ईवीएम इस बार किसी कीमत पर चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। बैलेट पेपर को वापस लाना होगा, देश के संविधान को बचाना होगा, तभी हम देश के लोकतंत्र को बचा पाएंगे, और तभी बहुजन समाज की इस हकमारी को हम रोक पाएंगे। चूंकि हकमारी तब तक चलती रहेगी जब तक आप इनसे मांगते रहोगे।
अरे जो छीनने वाला उससे हाथ जोड़ के मांग रहे हो ये दे दो वो दे दो, हुक्मरान बनो और अपने आप ले लो।